बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एक शीघ्र सलाहकार ने कहा कि अगर भारत संधि में किसी प्रावधान का हवाला देकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने की कोशिश करेगा तो उनका देश कड़ा विरोध करेगा। बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण दो दिन पहले 17 अक्टूबर 2024 हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को हसीना और उसके साथ 45 अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक उनके सामने पेश करने के निर्देश दिए। आसिफ नजरुल ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यार्पण संधि को सही मायने में देखेंगे तो भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही प्रत्यार्पण संधि है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि सुरक्षा कारणों के कारण वे उनके देश में हैं। नजरुल ने पिछले महीने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि केस पर कार्यवाही शुरू होने के बाद बांग्लादेश औपचारिक रूप से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करेगा। वहीं आपको बता दें कि ढाका ट्रिब्यूट ने गुरुवार को विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के हवाले से कहा कि अंतरिम सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और हसीना को वापस लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ICT ने उनके और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस बीच शेख हसीना की प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की महासचिव एडवोकेट रूहिल कबीर रिजवी ने कहा कि हसीना को शरण देने एक हत्यारे और अपराधी को शरण देने जैसी है। उन्होंने कहा था कि हमें शेख हसीना वापस लाने के लिए बेहतर कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। अब तक हसीना उनकी अवामी लीग पार्टी और 14 दलों के गठबंधन के अन्य नेताओं, पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीघ्र अधिकारियों के खिलाफ न्यायाधिकरण में जबरन गायब करने, हत्या और सामूहिक हत्याओं की 60 से अधिक शिकायत दर्ज की गई। 100 न्यूज की रिपोर्ट।